मेरा एक भी विषय में 33 नंबर नहीं आया छन। पता नहीं कन जमीन एडमिशन कराने एचएनबी श्रीनगर में कन जमीन ब्यो कन तो कर ली। क्या बोली? तेरा दोस्त भी फेल हो गया है। वो भी फेल हो गई चोरा लो रो। वो भी फेल हो गया, वो भी एचएनबी नहीं जा रहा है। तो भाई लोग कैसे सारे के सारे, तो यार फिर से स्वागत है आपका पहाड़ी ज्ञान चैनल में। तो यार आज हम बात करेंगे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां तुम्हारा भाई कभी गया नहीं, पर यहां बकचोदी भर भर के होती है। तो भाई लोग आज हम एचएनबी गढ़वाल के बालक और बालिकाओं के बारे में बात करेंगे, ये लोग यहाँ के करते क्या हैं और क्या नहीं करते। भाई लोग एचएनबी गढ़वाल के कैंपस के लौंडों का ना अलग ही स्वैग होता है। और भाई लड़कियाँ तो पूछो ही मत, कॉपी किताब तो होंगी नहीं, एक बड़ा सा मोबाइल ज़रूर होगा जिसमें दिन भर टिकटॉक और सोशल मीडिया ही चलता रहता है लड़कियों का, और कुछ नहीं। जब लौंडे पहले दिन कॉलेज में जाते हैं ना, ऐसे इनोसेंट बन के चलते हैं ना भाई, ऐसे दिखेंगे जैसे इनसे बड़ा शरीफ कोई नहीं है। भाई बाल एकदम अजय देवगन वाले और बैग फुल भरा हुआ, स्टाइल इनका अलग ही रहता है, जैसे पूरा सेमेस्टर यही टॉप करने वाले हैं। पर भाई ऐसा कभी नहीं होता, भाई 3 साल बाद वही लोंडा सबसे ज्यादा बकचोद करता है पूरे कॉलेज भर में। फर्स्ट ईयर में इनका ऐसा लगता है कि ये लड़के कितने अच्छे हैं, उस टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेट इनका पढ़ाई पे होता है, आंखों में सपने होते हैं डायरेक्ट आसमान छूने के। बट सेकेंड ईयर आते इनका कुछ नहीं होता, ना कोई सपने होते हैं ना कुछ होता है इनके पास। जेब में एक बड़ा सा फोन, हाथ में एक छोटी सी नोटबुक, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बंदे कॉलेज वाले हैं। फिर सपने की चिंता किसको रहती है, ओनली बकचोद चलती है इनकी और कुछ नहीं। और भाई फाइनल ईयर आते ही कोई नहीं देखता क्लास में, सारी बेंचेस खाली पड़ी रहती हैं। अगर टीचर ने पूछ लिया ना सारे बंदे कहाँ हैं, तो सिर्फ जवाब यही आता है, आधे बंदे धरना प्रदर्शन पे गए, आधे बंदे मैच खेलने गए, और आधे बंदे अपनी बंदियों के साथ हैं, और आधे बंदे दारू पीने के लिए पार्टी करते रहते हैं। बस यही जवाब आता है सबका। पहले आते हैं बीएससी वाले, इनका स्वैग अलग ही होता है, ये लोग अलग ही लेवल पे चलते हैं उस टाइम। बंदे बीएससी जो कर रहे हैं कॉलेज में, बस चौड़ दिखाते रहते हैं अपनी। बीकॉम वाले वही बंदे होते हैं जो ट्वेल्थ में साइंस जैसे सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तब जाके ये लोग बीकॉम लेते हैं। और इन्हें बीए भी नहीं करना होता ताकि कॉलेज में बेइज्जती ना हो। और इनके सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं ना भाई जो मेरी समझ में कभी नहीं आए, अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना इनके पास। अगर भाई किसी ने इनको इन सब्जेक्ट के लेवल में कुछ पूछ लिया ना कि ये चीज़ें क्या होती हैं, भाई ये कुछ नहीं बताते, चुप रहते हैं ये लोग, कुछ नहीं आता इन्हें, एकदम नील चौपट रहते हैं ये लोग, सिर्फ नाम के लिए होती है बीकॉम और कुछ नहीं। फिर आते हैं गरीब लोग जो सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आते हैं कॉलेज में, वो होते हैं बीए वाले बंदे जो पूरे सेमेस्टर में सिर्फ साल बर्बाद करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। और भाई लोग कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ साल बढ़ाने के लिए होते हैं, जैसे बीएड, बंदे बीएड सिर्फ एक ही चांस पे लेते हैं, या फिर कॉलेज का अध्यक्ष बन जाओ या फिर गाँव का प्रधान बन जाओ। भाई लोग पूरे कैंपस में पढ़ाई हो ना हो पर इलेक्शन जरूर होते हैं, जहाँ देखो सब इनका ही प्रचार करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ इनका ही बोलबाला चलता है उस टाइम, आज ये अध्यक्ष आज ये उपाध्यक्ष, ऐसे ही बकचोदी चलती रहती है पूरे साल भर इनकी। पूरे साल भर बंदा कुछ करे या ना करे पर छात्र संघ का चुनाव जरूर लड़ेगा। और भाई अगर गलती से बन भी गया तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्वैग इनका ही चलता है, और इनकी अलग ही मांगे होती हैं, कहीं कॉलेज में पानी नहीं, कहीं कैंटीन में खाना नहीं, और कहीं लाइब्रेरी में बुक नहीं। अरे भाई लोग लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें हैं, तुम पढ़ के तो देखो। और भाई लोग उल्टे सीधे काम तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं इनके उस टाइम, भाई कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं पुतले जलाओ, कहीं कुछ, बस कॉलेज के बाहर बकचोद करते रहते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। भाई पूरे साल भर कैंपस में कोई नहीं दिखता, पेपर के टाइम पूरी भीड़ ऐसे होती है जैसे पूरा मेला लगाओ कॉलेज में, ऐसी भीड़ तुम्हें सिर्फ दो ही टाइम पे दिखने को मिलती है, एक एडमिशन के टाइम पे और एक पेपर के टाइम पे, भाई बीच में ये लोग गायब हो जाते हैं सिर्फ। तो बस यार आज का ज्ञान यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर एचएनबी वाले पूरे बंदे मेरी पहाड़ी आर्मी में शामिल है तो यार
फैला दो पूरे कॉलेज में। और हाँ यार, सब्सक्राइब जरूर करो, पूरे कॉलेज में फैलाओ, और नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, बगल में वो घंटी को भी दबा दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। पुलिया मेरे सोआ भल सजन त।